आजादी के बाद पहली दफा अहीर वीरों के द्वारा एक इतिहास लिखा जाने वाला है, जहां अहीर कौम इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान होने का अधिकार मांगने के लिए एक अहीर जनजागृति सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में अहीर वीर यहां पहुंच करके इस राजस्थान की सरकार से और केंद्र की सरकार से अपनी इस राष्ट्र रक्षा में बलिदान के लिए अपना हक की मांग करेंगे। 3 लाख लोगों के आने की संभावना है और मौके पर संभावनाएं जहां जहां से मिल रही हैं वहां और अधिक संख्या बढ़ने की अनुमान लगाया जा रहा है। हमने इस देश के तमाम हमारी कौम के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे केंद्र में मंत्री हैं, चाहे प्रदेश में मंत्री हैं, सभी उनको इन्वाइट किया है। भारत यादव अध्यक्ष, जिला यादव अहीर महासभा अलवर। सर, सभी समाजों की ओर से महापंचायत द्वारा की जा रही है, आपके समाज के द्वारा भी की जा रही है, क्या मुख्य मांगे रहेंगी? मुख्य मांग सावन राम जी ने बताई है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। इसके साथ साथ राज्य सरकार से भी हमारी मांगे हैं कि एक तो हमारे 23 सितंबर को राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस है, हरियाणा सरकार ने इसका राजकीय अवकाश की घोषणा की हुई है, इसी तर्ज पर हरियाणा की सरकार तर्ज पर राजस्थान सरकार भी इसकी राजकीय अवकाश की घोषणा करे। एक न्यू सांगानेर रोड का मार्ग बदलकर रिजांगला मार्ग के हमारी डिमांड है राज्य सरकार से। मैं इंद्र यादव, मुंडावर से, अलवर राजस्थान से, मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं 16 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में VT ग्राउंड मैदान में पहुंचकर हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाएं।